प्रदेश में जैविक व प्राकृतिक खेती के उद्देश्य से जैविक कृषि सोसाइटी, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय तथा राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। हिमाचल में जैविक और प्राकृतिक खेती के उद्देश्य से जैविक कृषि सोसाइटी, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय तथा राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय ने किया। प्राकृतिक खेती के आदान प्रदान को प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के प्राकृतिक खेती के उत्पाद जैसे कि सब्जियां, अनाज, मोटे अनाज, चाय आदि प्रदर्शित किए गए हैं। दो दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 किसान और 32 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लंबे समय से जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके ही प्रयासों से इस विधि की जानकारी सुभाष पालेकर प्रदेश में अनेक स्थानों पर किसानों और वैज्ञानिकों का जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तरीकों और फायदों की जानकारी दे चुके हैं। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय ने बताया कि सरकार विलुप्त होने के कगार पर औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2022 तक जैविक राज्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ही जैविक और प्राकृतिक खेती पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस साल प्राकृतिक खेती के लिए 500 किसानों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3500 किसानों को इस खेती के लिए प्रेरित किया गया है। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर एक की सामूहिक जिम्मेदारी थी और युवा पीढ़ी को इसके बारे में बताना चाहिए। समय के साथ वो अब लुप्त प्राय हो गए हैं। उन की मेडिसिनल वैल्यू या उनके वैल्यू को देखते हुए अब क्या विभाग का ये रहेगा कि वो दोबारा से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। आपने ठीक कहा, वर्ष 2018-19 के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया था उसमें हमने 50% सब्सिडी देने की बात की थी। जो हमारे पुराने फसलें लुप्त होती जा रही हैं उन्हें कृषि मार्केट लाने के लिए, जिससे जो आज मैं देख रहा हूँ कुछ आपका जो कुल्लू का इलाके का था, जो वहाँ पर नए जो पुरानी फसलें हमारी खत्म होती जा रही थी, आज उसे द्वारा हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि वो एक मेडिसिन वैल्यू था उसका, जो एक हमारे पुराने जमाने में जो है कई बीमारियों का जो उसका उपचार उसे वहाँ से मिलता था। हमने 50% सब्सिडी देना शुरू कर दिया है पुराने जो लुप्त होती बीजों को द्वारा से हमने जनरेट करना शुरू कर दिया ताकि मार्केट में आए, लोगों को हमारे फिर फायदा हो। उसके लिए शून्य हमने प्राकृतिक खेती की बात की है, उसका हम प्रचार प्रसार आज मैं देख रहा हूँ जो दर्शनी में गया हूँ, अधिकतर जिसने जिलों से हमारे लोग आए सारा जो है प्राकृतिक खेती पर ही हो रहा है। जैविक खेती पे सारा काम किया जा रहा है और जिससे जो बीमारी का जट फैल रहा था, जो बीमारी हर जगह फैल रहा था उसे खत्म करने का हमें एक कोशिश किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कोशिश किया है कि जो है 2022 तक जो हिमाचल प्रदेश को जो है जैविक राज्य घोषित किया जाएगा, उसके लिए पहल शुरू किया हमने किया है। हमारे दोनों यूनिवर्सिटी, चाहे बागवानी यूनिवर्सिटी सोलन हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय आपका पालमपुर हो, चाहे कृषि हमारा विभाग हो, दिन रात विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमारे सब दिन रात लगे हैं ताकि हम जैविक जो खेती का जो हमने एक स्वप्न सोचा है, जो हमने एक यहाँ पर योजना यहाँ पर सोचा है कि हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में गांव-गांव पहुँचाएं, घर घर पहुँचाएं, हम हर बच्चे तक शिक्षित करें, वहाँ तक बात पहुँचाएं, ये हमने एक प्रयास किया है और इसका जन आंदोलन के रूप में नेचुरल फार्मिंग में लेके आएंगे। 2022 तक हमने 2022 तक जो 9,66,000 परिवारों तक पहुंचने चाहते हैं हम लोग, कंप्लीट जो हमारे जो कृषि से जुड़े लोग हैं। आज हमारे जो सेंसस 2011 का है जिसमें 9,66,000 किसान जो है कृषि से जुड़ा है। हम सभी किसानों तो 2022 तक हमने टारगेट रखा है कि हम सभी किसानों को जागरूक करेंगे, वहां तक हर परिवार तक पहुंचेंगे। पिछले साल हमारा टारगेट 500 परिवारों तक हम 3500 परिवारों तक पहुंचे हैं। एक साल में टारगेट 500 परिवारों का था। ऐसे लगता है कि इस हिसाब से हम जिस हमारे विभाग के लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर 2021 तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो सर ये पहली फसल जीरो बजट में आई हुई है, फर्स्ट टाइम जीरो बजट में कोई फसल आई है। सब्जियां तो आती रही पर सीरियल में पहली बार गेहूं की आई है। कितना उत्पादन रहा और जिस तरह से हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि उत्पादन जो हिमाचल में कुल खाद्यान्न का होता है उससे प्रभावित तो नहीं होगा? क्या ऐसी कोई एवोल्यूशन अभी की गई है? हाँ, एवोल्यूशन तो आंकड़े तो नहीं है, पर हमने जो देखा है किसानों से बात की तो दुगना उसका प्रोडक्शन हुआ है। जो हमारा जो रासायनिक खेती हमने बंद किया है, जो नेचुरल फार्मिंग हमारे लोग किसान कर रहे हैं तो उसमें डबल प्रोडक्शन हुआ है और उसमें कोई कमी नहीं आया है, प्रोडक्शन डबल हुआ है और हमारा जो है लागत बिल्कुल कम है इसमें। सर देखा गया है कि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।